एक बार विजयनगर में रहने वाला बब्बन ऐसा बीमार हुआ कि उसके इलाज में घर के काफी सारे सिक्के खर्च हो गए। घर में बस एक गाय ही बची थी जिसे बेचकर बब्बन की दवा का इंतजाम हो सकता था। बब्बन और निर्मला ने उसे बेचने का फैसला किया। बब्बन की पत्नी सीधी साधी थी। जब बाजार जाकर गाय बेचने की बात आई तो बब्बन ने उसे समझाकर भेजा। सुनो, रास्ते में किसी से बात मत करना, अपना काम करके सीधे घर वापस आना। नमस्ते काकी। अरे, काकी ने नमस्ते का जवाब ही नहीं दिया। बड़ी अजीब बात है। लगता है आज कुछ बढ़िया हाथ लगा है। अरे, पर ये हिल क्यों रहा है? अरे पकड़ो इसे। सोचा था हीरे जवाहरात मिलेंगे और मिला क्या, ये भेड़। अब देखो इस भेड़ को मैं कैसे गाय बनाता हूँ। निर्मला के पास गाय थी तो मोंगी के पास भी उसे लेने की योजना थी। मेरी गाय। क्या हुआ काकी? हम तो गाय लेकर आए थे, ये भेड़ हमारी नहीं है। ये भेड़ ही आपकी गाय है काकी। आपको नहीं पता, यहाँ की हवा में जादू है। हवा लगी, गाय भेड़ बनी। है? हवा में जादू है? तूने कभी बताया नहीं। देखा काकी मेरे गधे को? हाँ, इसी जादुई हवा से ये इंसान बना, लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई। है? ये क्या हो गया? चुंगी मुंगी ने जिस गाय को भेड़ बनाया था, अब उसी भेड़ को मुर्गी बना दिया है। फिर से जादुई हवा? ये हवा का जादू नहीं बल्कि चुंगी मुंगी के हाथ की सफाई का जादू था। अब ये पुरानी रस्सी कौन खरीदेगा? आज तो हवा भी नाराज है। निर्मला से सारी बात सुनकर बब्बन समझ गया कि दो लड़कों ने जादुई हवा की कहानी सुनाकर उसे बेवकूफ बनाया है। और अगले ही दिन है, ले आए मंगलू भैया के खरगोश। पर ये तुम्हारी योजना पूरी कर पाएंगे, देखना कहीं और नुकसान ना हो जाए। देखती जा निर्मला, बस तुझे याद है ना क्या करना है? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। कल तो बैठे बैठे अच्छी आमदनी हो गई। यहाँ चुंगी और मुंगी नहीं जानते थे कि आज उनके पैरों तले की जमीन खिसकने वाली है। अरे अरे, धीरे बेटा धीरे। खरगोश? ये जरूर वो ही दोनों हैं जिनके बारे में निर्मला ने बताया था। अरे काका, कितना प्यारा खरगोश है, कहाँ ले जा रहे हैं इसे? खरगोश नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बीमार हूँ ना, इसलिए बेचने ले जा रहा हूँ। मेरी हर बात मानता है ये। हर बात? हाँ हाँ, ये मेरे साथ खेलता है। मैं जब इसके कान मरोड़ता हूँ तो इसे अच्छा लगता है। फिर ऐसे एक हाथ से उठाकर घुमाता भी हूँ, फिर ऐसे, फिर वैसे, फिर ऐसे और वैसे, फिर जैसे तैसे। नहीं, खरगोश कलेजे का टुकड़ा कैसे हो सकता है? अब इसको भी बताओ। ऐसे वैसे नहीं, प्रमाण दो तब मानेंगे कि ये आपकी बात मानता है।
अभी देता हूँ। बेटा चीकू, अपनी काकी से कहना आलू की सब्जी, खीर और पूरी बना कर रखना, मैं मेहमानों के साथ आ रहा हूँ। अरे सुनती हो, हम आ गए। हाँ हाँ, चीकू ने बता दिया था, मैंने आलू की सब्जी, पूरी और खीर बना दी है। अरे सच में, ये खरगोश तो होशियार निकला। लो काका, चीकू अब हमारा हुआ। मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा, ये तो छटाक भर कीमत भी नहीं है। ये भी लो काका। ना बेटा ना, इतने से तो नहीं होगा। अरे ये तो अजूबा है, अजूबा दुनिया का। अगर सिक्कों की जरूरत नहीं होती तो कभी इसे नहीं बेचता। मैं इसे बड़े बाजार में ले जाकर बेचूंगा। अरे खरगोश चीकू को अगर महल में जाकर राजा जी को बेचा तो जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी, सिक्कों में खेलेंगे, सिक्कों में। अच्छा ये ले लो। ना ना, ये भी लो, ये भी लो, चलो ये भी लो, चल और निकाल चुंगी। अरे अब और नहीं है मेरे पास। ये लो, सब रख लो। ठीक है ठीक है, इतना काफी है। अपनी सारी कमाई इस खरगोश पे लगा दी। तुझसे तो ज्यादा ही अकल है इसमें। हिसाब का पक्का हूँ और सिक्कों का भी। देख जो सिक्के गए हैं वो वापस कैसे आते हैं। चीकू जा, जाकर काका से बोल अगर एक पहर में वो पैसे लेकर नहीं आए तो फिर हम आएंगे और सब लूट कर ले जाएंगे। एक पहर का बोलकर कई पहर बीत गए, ना चीकू आया और ना पैसे लेकर काका आए। तब उन्हें शक हुआ, बब्बन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। काका बाहर निकलो। क्या हुआ बेटा? हाँ? कुछ भूल गए? होशियार नहीं काका, हमें हमारे सिक्के वापस चाहिए। है? हाँ ये लो। ये तो पत्थर है। सिक्के तो थे, लगता है जादुई हवा से पत्थर बन गए। ऐसी कोई जादुई हवा होती है क्या? होती है ना, जैसे जादुई हवा से गाय भेड़ बन जाती हैं। और भेड़ मुर्गी। अरे ये तो वही गाय वाली काकी है जिसको हमने लूटा था। सिपाही ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, बुलाऊं क्या? हमको बेवकूफ बनाया। चलो चलो अब हमें थोड़ा आराम करने दो। हमारे सिक्के। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल मूर्ति मीडिया।